चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां स्कूल के कोर्स में अब आदिवासी बोलियां शामिल की जाएगी। जी हां, आदिवासी बोलियों को शामिल किया जाएगा स्कूल के कोर्स में और विद्यार्थियों को इसकी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए 3 सब कमेटी बनाई जाएगी जो मिलकर काम करेगी। बता दें कि भीली, कोरकू, गोंडी भाषा का चयन किया गया है। 89 आदिवासी ब्लॉक के स्कूलों में इन बोलियों को शामिल किया जाएगा और आदिवासी वोट बैंक को वापस मजबूत करने की ये कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। और इसी के चलते आपको बता दें कि ये बोलियों को अब आदिवासी बोलियों को अब स्कूल कोर्स में शामिल किया जाएगा। सब कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी मिलकर काम करेगी। प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक स्कूलों में भीली, कोरकू और गोंडी बोली पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। इन बोलियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाया जाएगा और जो मिलकर मीटिंग करेगी, प्लानिंग करेगी और इस पूरी प्लानिंग का अंतिम रूप देगी। भीली, कोरकू और गोंडी बोलियाँ जो है इसका चयन किया गया है और ये बोलियां अब स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी। स्टेट प्लानिंग मीटिंग 4 फरवरी को बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र में होगी और इसमें इन बोलियों के अध्ययन और कोर्स में क्रियान्वयन को लेकर कार्य योजना का खाका तैयार किया जाएगा। इसमें सहायक किताबें भी तैयार की जाएगी कि किस तरीके से ये किताबें तैयार करनी है, क्या इनका कोर्स होना है, उसकी तैयारियाँ को लेकर जानकारी दी जाएगी मीटिंग में। और 3 सब कमेटियां भी बनाई जाएगी। ये कमेटियां जो है इन बोलियों के विस्तार को लेकर भी बातचीत करेगी, मीटिंग करेगी।